नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं अमित सिंह और आप एक बार फिर देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। अभी देश में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है कोरोना वायरस। और इस कोरोना वायरस के बीच में एक राजनीतिक सरगर्मी जो है फिलहाल तेज है, वो मध्य प्रदेश की, जैसा कि सभी को पता है। और वहां के जो ताजा हालात हैं, दिनों दिन नई नई चीजें सामने आ रही हैं। तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हेमचंद्र जी, उनका स्वागत करते हैं हम। हेमचंद्र जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, स्वागत है। अभी जो हालिया जो स्थिति है राजनीति की, सबसे पहले तो देश में और पूरे विदेश में कोरोना वायरस ने हलचल मचा के रखा हुआ है। दूसरी जो हमारे देश की स्थिति है, एक राजनीतिक भी हलचल कोरोना से भी काफी तेज है, उसका असर काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। सियासी उठापटक जो है अभी भी जारी है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात की। तो अभी जो अभी SC का यानी सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला भी आया है, नोटिस जारी किया गया है उनको, सरकार को, स्पीकर को और कांग्रेस को भी, पार्टी को भी दिया गया है। तो जो ताजा हालात अभी बन रहे हैं अभी देश में, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश की हालात, पूरी दुनिया की हालात अभी एक ऐसे वायरस को लेकर के है जहां की बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं। एक महामारी, और WHO ने जो है दिया है वो कि एक महामारी है, और पूरी दुनिया में इससे लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ भी परेशानी है, अपने देश में भी। लेकिन इस बीच आप देखे होंगे कि राजनीतिक वायरस, जी उसी की बात मैं कर रहा था, राजनीति की वायरस आई और सारे मीडिया और सारे चीजों में जब लोगों को इससे बचने के उपाय बताए जा रहे थे कि कैसे आप इस रोग से बच सकते हैं, कैसे अपने परिवार को बचा सकते हैं, लेकिन उस बीच एक नई डिजीज लेकर के आ गई, चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था को धता बताकर जो है सत्ता पाने की भूख इसे कहें, या सत्ता से हटाने और पाने के बीच की जो दूरी है उसको मिटा करके एक बड़ा वायरस इसके अंदर प्रवेश कर गया। और इस तरह का वायरस समझ लीजिए अमित जी कि ये भले ही कोरोना को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हो, लेकिन ये वायरस अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफी समय से प्रवेश कर चुका है, जो उस वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक है कि हमारी सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर देती है। सीधी तौर पर हमारे लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र पर एक बड़ा चोट है, इसे आप एक महामारी कह सकते हैं। तो ये जो खरीद फरोख्त की जो यहाँ पर बात हो रही है, और अब सबसे बड़ा संकट आ चुका है कांग्रेस के सामने कि कैसे बहुमत साबित करे और कैसे अपनी सरकार बचाए। जो आंकड़े हैं, विधानसभा सीट के आंकड़े हैं और अभी बागी विधायकों के जो आंकड़े हैं, क्या तालमेल चल रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जो दर्शक तो हालांकि अपडेट रहते ही हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उस पर हम एक विश्लेषण, एक चर्चा कर लेते हैं। तो क्या आंकड़े क्या है? देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें तो ये शुरुआत इसकी कहां से हुई? शुरुआत इसकी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हुई। उन्होंने एक तरह से कही है कि बगावत की पार्टी से, या उनको जो चाहिए था पार्टी के अंदर नहीं मिल रहा था, सम्मान नहीं मिल रही थी। यही बातें उनके समर्थित विधायक भी कह रहे थे कि मुझे सम्मान नहीं दिया गया, मुख्यमंत्री हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी के बीच का जो फासला था, ये जो जब सरकार कांग्रेस की वहां बनी, बन रही मध्य प्रदेश में बन रही थी, तब मुख्यमंत्री को लेकर के ये बातें सामने आई कि दोनों उम्मीदवार हैं। उस समय कॉन्ट्राडिक्शन था उन लोगों में भी, ये पूरी जोर शोर पर थी कि उनका, ज्योतिरादित्य जी का था कि शायद CM सरकार हमें चुनी, सोनिया जी और राहुल जी के बहुत करीब हुआ करते रहे हैं, तो उनको था। लेकिन राहुल जी ने बयान भी दिया कि ये हमारे घर में कभी भी आ सकते थे। इन्होंने जो कारण बताया पार्टी से छोड़ने का, कि राहुल गांधी हमसे मिलने नहीं आए या हमें मिलने का वक्त नहीं दिया, तो उन्होंने भी ये कारण जो बताया तो उसका क्लियर भी किया था राहुल गांधी। ये बहुत चली गई। लेकिन कहने का है कि शुरुआत उस समय से हो गई थी, और कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता को, कमलनाथ जी को, अनुभवी नेता को CM बना दिया। तत्काल उस वक्त सरकार बनने के गठन के बाद किसी तरह समझौते के तहत इनके भी, ज्योतिरादित्य जी के भी ग्रुप से लोगों को मंत्री बनाया गया, इधर से भी लेकिन धीरे 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 ये खाई बन रही थी। कांग्रेस की क्या कमजोरी है वर्तमान समय में कि कांग्रेस कोई भी घटना चक्र जब इसकी जब चर्चा शुरुआत होती है, उस वक्त वो कोई उस पर जो है इनपुट देने को तैयार नहीं होता, ध्यान नहीं देता। लेकिन जब हालात बिगड़ती है और उसके बाद वो फिर अपनी टीम को भेजता है सुधार के लिए, तो यही चीज यहाँ हुई। ज्योतिरादित्य, और उसके बाद आया कि राज्यसभा के चुनाव की बात आई कि इनको चुनना है। लेकिन देखिए, यहाँ पॉलिटिक्स क्या हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया
को कांग्रेस सम्मान नहीं देती थी या उनकी महत्वाकांक्षा और अधिक थी कि वर्तमान समय में उन्हें कुछ और चाहिए, क्या सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक ही उन्हें ठहरना था या केंद्र में वो कुछ देख रहे हैं, बात जो भी हो, लेकिन कमल सीएम मध्य प्रदेश के सीएम और ज्योतिरादित्य के बीच का रास्ता ठीक नहीं चल रहा था। चलिए अभी तो अब जो चल रहा था अब तो हालात काफी आगे बढ़ चुका है, आप जैसे आपने भी कहा इस बात को, अभी जो ताजा हालात है फ्लोर टेस्ट होना था वो भी नहीं हो पाया और अभी भी 22 जो है विधायक जो यहाँ पर से कर्नाटक में जाकर के रिजॉर्ट में, जैसा कि आरोप लगाया सीधा कमलनाथ जी ने, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भाजपा ने उन लोगों विधायकों को बंदी बनाकर रखा है। देखिए 13 मार्च से पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहली खबर जो आई, कहा गया कि भाजपा की तरफ से कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की बात चल रही है, चार विधायकों को तोड़ा गया, शुरुआत इसकी चार विधायक से आई, लेकिन दूसरे ही पल इसकी जो सूचना आई कि नहीं चार ही नहीं कई विधायक है, संख्या बढ़ती चली गई, वो बढ़ती चली गई। अब हुआ कि फिर एक दूसरे को बचाने की प्रक्रिया चली, कमलनाथ जी लगे कि सरकार हमारी कैसे बचे, भाजपा लगी हुई थी जबकि वो फ्रंट पे नहीं थी, शिवराज सिंह चौहान बार बार कह रहे थे कि इससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है साफ तौर पर, लेकिन अंदरूनी मामला ये कहने को है, पब्लिक को समझाने की बात है, लेकिन अंदरूनी खेल एक खेमा भाजपा के पास था, चूंकि जिन्हें सत्ता में वापसी करनी है और दूसरे को हटाना है और दूसरा अपने को बचाने में, इस खेल में ये बातें इतनी बढ़ती गई, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दो बड़े नेता हैं, दोनों ने उस समय भी उनको लगा ये लोग भी पढ़ने में चूक गए, इनको लगा कि दो चार हैं इन्हें समझा दिया जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इनमें पता नहीं था कि इतना बड़ा इतनी बड़ी, होगा। बड़ी संख्या में लोग जो है जी जी तुरंत जो है पासा अपना पाला पलट, और हालात ये हुई कि 22 की जो संख्या आई, हालांकि शुरुआती कभी 16 हुए कभी 19 हुई कभी 22 हुई, लेकिन 22 पर आकर टिका हुआ है, उनका कहना है भाजपा का या और बागी ग्रुप का कि हमारी संख्या 30 तक जा सकती है, ये चर्चा भी बनी हुई थी। अभी भी चर्चा है कि 19 विधायक अभी भी जो है वो कर्नाटक बेंगलुरु में अभी भी है रिजॉर्ट में है। अब ये आरोप देखिए 19 विधायकों को लगाया जा, 19 विधायक कैसे गए कर्नाटक, उसका खर्च कौन वहन कर रहा है, ये फंडिंग कहां से होती है, जबकि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी वो कह रही है कि हम इसमें नहीं है, तो आखिर ये 19 विधायकों को ले जाकर कर्नाटक के रिसोर्ट में पिकनिक मनाना और जो उसका कुछ तस्वीरें आ रही है जिस खुशी से उत्साह से वो होली दीपावली सब एक साथ मना रहे हैं, इसके खर्च कहां से आ रही है, पैसा आ कहां। तो अब मुद्दा यही आता है कि ये जो एक खरीद फरोख्त की बात आई है एक बहुत बड़ा मार्केटिंग है, भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी कोरोना को लेकर हालात खराब हो, अच्छा, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था के ये सारा चीज अर्थव्यवस्था के पीछे बिल्कुल कहा जा रहा है कि 1000 से 1500 करोड़ के बीच का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा आम है, एक एक विधायक 25 से 50 करोड़, मंत्रियों को चाहिए 100 करोड़, जो चर्चा है जहाँ जीडीपी की जो है जो जी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही हो, देश के हालात खराब हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था कंपनियां बंद हो रही है, सारा लोग काम से हाथ धो रहे हैं, कोरोना वायरस ने अलग छोड़ दे दिया, और यहाँ जो है 100 करोड़ और 50 करोड़ की बात चल रही है, तो ये खरीद फरोख्त आप सोचिए कि हमारे यहाँ क्या ट्रेडिशन है, हम चुनकर भेजे लोगों को और उसकी तैयारी देखिए, आपने वोट किसी को दिया, किसी पार्टी के लिए दिया कि वो 5 साल चलेगा काम करेगा, लेकिन इनको लगता है कि समय कम है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ पाना है, और ये पाने का उद्देश्य से जो है अब यहाँ कई बातें हम बात करते हैं ना कि इस बार अब हम बात करते हैं कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जितने विधानसभा की सीटें थी, जितने कांग्रेस ने सीटें जीती थी उसमें से 19-22 जो है बागी हो गए, उसके बाद अभी जो स्थिति है कांग्रेस को कितनी सीटें लानी होगी बहुमत साबित करने के लिए मिनिमम, क्या आंकड़ा है? देखिए अभी ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, अगर अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरकार बनाने के मूड में है और कमलनाथ जी बचाने के मूड में, साफ बचाने तो यहाँ तो शक्ति आधी हो जाती है क्योंकि आपको बचाना है, और अगर ऐसा हुआ इसलिए है कि कांग्रेस भी बाकी बचे 92 विधायकों को भी अपने साथी तो जो है कांग्रेस सरकार बना रहेगा, वो ले गया खतरा बना रहेगा, उसने भी वो भी बचा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बचा। अब इस बीच का जो गैप है, सबसे पहले सरकार ने क्या किया जल्दीबाजी में कमलनाथ जी ने कि जो 6 मंत्री थे उस 6 मंत्री का इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया, बाकी जो 16 लोग वहां से इस्तीफा भेजे कर्नाटक से। अब ये कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ये आरोप है कि भाजपा ने उनके इस्तीफे को जाकर के सौंपा था,
यही टेक्निकल फंडा यही आया है। जैसे ही गवर्नर ने दिया, पहले गवर्नर से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही मिले कि मुझे फ्लोर टेस्ट का समय दिया जाए, हम उसको फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करेंगे। भाजपा कह रही है, विपक्षी पार्टियां कह रही है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, तो सदन चलना है और फ्लोर टेस्ट होना है। इस बीच जो है अचानक 16 तारीख की बात आ गई, हालांकि कमलनाथ जी ने ही मांगा था पहले राज्यपाल से कि हमको 16 को, तो गवर्नर ने शॉर्ट समय में 16 को कह दिया कि आप कल जो है फ्लोर टेस्ट करिए। तो मामला अब ये आया कि कमलनाथ जी ने जो गवर्नर को एकदम पूरा ये जो है पासा पूरी संवैधानिक व्यवस्था के बीच फंसा है। अभी फिलहाल गवर्नर का कहना है कि ठीक है आप 16 को बहुमत साबित कीजिए फ्लोर पे, और कमलनाथ जी ने जो पत्र लिखा था गवर्नर को उसमें ये लिखा था कि फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते उन सारे 22 विधायकों को लाने की व्यवस्था की जाए। और वो हैं, इनका कांग्रेस का कहना है, कमलनाथ जी का कहना है कि हमारे विधायकों को जो है वहां बंधक बनाया है। किसने बंधक बनाया? आवेदन भी उन्होंने दिया था कि बंधक बना के रखा गया, उनको यहाँ लाया जाए, मध्य प्रदेश यहाँ लाया जाए, तभी तो फ्लोर टेस्ट हो पाए। बिल्कुल, ये अपनी जगह सही है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे उसकी बात आई नहीं कि कैसे आएंगे विधायक, कैसे आएंगे और बिना विधायकों का होगा कैसे। वो उन विधायकों का जो इस्तीफा भेजा गया था वो भाजपा के नेता द्वारा ही दिया गया विधानसभा अध्यक्ष, ये ऐसा कमलनाथ जी का आरोप सीधा लगा रहे हैं। अब गेम पाला था स्पीकर के पास, स्पीकर की अपनी शक्ति है और गवर्नर की अपनी शक्ति है। विधानसभा के मामले में स्पीकर, अगर संचालित विधानसभा है तो वो वहाँ स्पीकर की सुनी जाएगी। स्पीकर ने दिया कि जब तक हमारे पास विधायक स्वयं इस्तीफा लेके आते नहीं है, हम उसको कैसे मान लें जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम उनसे बातें करेंगे, वो हमारे प्रेजेंटेशन में आए और उसके बाद फिर हम करें। तो मामला यहाँ फंसा है। इसी बीच लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। आज भी कुछ प्रक्रिया हुई जी, बिल्कुल आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किया है, कांग्रेस को भी किया है, पार्टी को भी की है, राज्य सरकार स्पीकर को भी दिया है नोटिस। इसका जवाब होगा इस पे कल सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल अगर आंकड़ों की बात करें तो जो 104 की बात आ रही है, जैसे कांग्रेस 114 लेकर आई थी विधानसभा में, उसके बागी हो गए, तो अभी जो एक संख्या परेड तो हुई नहीं है, 92 के आसपास जो बेंगलुरु ये राजस्थान लेकर के वो लोग गए थे तो 92 के आसपास थी। और भाजपा जो है अगर कहिए बिना सपोर्ट की भी वो अभी बहुमत के स्थिति में मौजूद है। अब जो अगर कमलनाथ की सरकार की स्थिति ये है, अगर बागी विधायकों को कुछ भी वो मना सके, 5-6 ला सकते हैं, तो कमलनाथ जी बल्ले बल्ले है। और अगर आज जो मीडिया के साथी बात कर रहे थे कैसे ये प्रायोजित किया गया, जिस रिसोर्ट में कोई पहुंच नहीं पा रहे थे वहां कैसे मीडिया कर्मी पहुंचे और खुलेआम बाइट हुई, क्या वो दबाव में थे या आज फिर कांग्रेस ये कहेगी कि वो भी मीडिया जो है वो व्यवस्था किया गया था और उस बीच में बातचीत हुई। तो इन सारी बातों को देखते हुए, तो आज के बाइट को अगर आपने देखा होगा मीडिया में जो खबरें आई, विधायक ये कह रहे हैं कि हमारी बातें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री सुना नहीं करते थे, हमारे क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं उस पर उनका ध्यान नहीं था और अपने क्षेत्र में हजारों करोड़ की योजनाएं वो ले जा रहे हैं। और एक वहाँ पे सिंधिया जी जो परिवार है, सिंधिया परिवार है, उनका एक अलग ही महत्व है, उनकी अलग इज्जत है। देखिये जी, सिंधिया तो परिवार के बारे में तो राज परिवार हैं और महाराज मानते हैं, अभी भी उन्हें एक नेता नहीं, जितने भी बागी विधायक है सब एक ही स्वर में कहते हैं कि महाराज जहां है। अच्छा, एक चीज देखिए, हम लोग भी हम सब भी एक लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी हम लोगों ने ऐसा सुना कि माधव राव सिंधिया जी जो थे वो महाराज? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मिनिस्टर हुए, बड़े नेता कांग्रेस के रहे, उनकी क्षेत्र में अपने बड़ी पहचान है, उनको नाम मोहताज तो उसके लिए है नहीं, लेकिन आप देखिए ये महाराज शब्द कहाँ से आया अचानक? ये यही एक पॉलिटिक्स की जो माने रणनीति है कि समय के हिसाब से कैसे किस चीज को हम उभारते हैं और कैसे नीचे ले जाते हैं। अभी महाराज शब्द इस्तेमाल कर दिया, इसके पहले, इस घटना के पहले, सरकार गिरने और बनाने के खेल के पहले महाराज जी शब्द का कोई इस्तेमाल तो नहीं। इस चीज का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए किया जा रहा है कि जहां महाराज हैं वहां हैं, उनके सेवक हैं। अब सवाल, समर्थक है, आखिर वो विधायक ये नहीं बता सकते कि जो जनता हमें चुनकर भेजी थी और हम जो शिफ्टिंग कर रहे हैं, खुलेआम पैसे के आरोप लग रहे हैं। अब देखिए, हम लोग इससे चलते हैं बहुमत से थोड़ी सी हटकर जी, कि 16 वो विधायक या 22
मंत्री समेत अगर ले लेते हैं तो ये 22 जो अगर ये अगर अभी इन्होंने कहा नहीं कि मैं भाजपा में जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये 22 शिफ्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इन सारे लोगों को सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, फिर से वहां विवाद शुरू होगा। जो लोग पहले से भाजपा में मौजूद हैं वो क्या करेंगे, जो इनसे चुनाव हारे हैं जो दूसरे नंबर पे हैं वो क्षेत्र में क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि ये वहां जाएंगे और इनको हाथों हाथ ले। दूसरी बात, एक बड़ी बात, बड़ी चर्चा हो रही है पैसे को लेकर, तो कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो भी रेट तय होती है 25 करोड़ 50 करोड़, चूंकि ये पहली घटना नहीं है अपने देश में, कई बार इस तरह आरोप लगते रहे और आरोप निश्चित होते रहे, भी होते रहे, मामला वर्षों चला है बिल्कुल कोर्ट में, तो ये जो आरोप है, अब मान लीजिए कि कुछ एडवांस कर दिया गया, अगर कुछ करोड़ की बात होती है, 2-3 किस्तों में पैसे देने हैं, एक किस्त दे करके आपसे सरकार बनवा लिया हमने, उसके बाद हमने कहा कि भाई अब नहीं देंगे, तब क्या होगा? क्या वो भाग जाएंगे? तो क्या आपको क्या लग रहा है कि जो ये फ्लोर टेस्ट होना था और जो ये बहुमत साबित होने की जो समय सीमा थी, ये इसी पसों पे इसमें अटकी हुई है? बिल्कुल यही, कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई ये इसकी डिलीवरी कैसे और किस किस रूप में होगी। इस मंदी के दौर में कोई 1000-1500 करोड़ रुपया कैसे निकालेगा और कैसे इसको एडजस्ट करेगा, एक बड़ा मुद्दा है। जब इतनी बड़ी मंडी लगी है, आप देख रहे थे जैसे रिसोर्ट में जब ले जाया जा रहा था विधायकों को, कैसे गर्दन निकाल करके वो कहां जा रहे हो भाई, तो देवी दर्शन नहीं गया हूं, तो मैं टूर पे जा रहा हूं। कितने आखिर किस तरीके के लोग हैं और इतना लोग विश्वास के साथ चुनकर भेजते हैं क्षेत्र से, और ये लोग इस तरह से कर रहे हैं सिस्टम को पूरी तरह, तो वायरस के तो संक्रमण में तो ये लोगों ने डाल रखा है। कहीं ना कहीं अगर घुमा फिरा कर देखा जाए तो अंततः जनता ही जो है वो ठगी जाती है, हर हाल में जनता ठगी जा रही है, और कितने विश्वास, कितने विश्वास पर जनता नेताओं को चुनती है, अपना मत देती है, अपना वो मत नहीं देती। एक जो जनता होती है ना, वो अपना मत नहीं देती, अमरिंदर जी हमें कहते हैं वो नेता को अपना विश्वास देती, अपना विश्वास दिया, और इस प्रकार अचानक से सत्ता के लोभ में, कुछ पैसों के लोभ में, कुछ पद के लोभ में अगर इस प्रकार से लोग अपना जो है पार्टी बदलने लग जाए, तो आहत सबसे बड़ा जो है जनता के हृदय को होता है, पूरी तरह का आपको तो। और क्या करें, अब क्या उम्मीद क्या लग रही है? कल जहां सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई की डेट रखी है, कल सुनवाई होना है इस पर, आगे की सुनवाई। फ्लोर टेस्ट में तो जाना है, सदन फिलहाल स्थगित की गई है, समय निकाला है, दोनों ग्रुप अपना अपना पक्ष को कैसे ज्यादा से ज्यादा समय मिले। क्या लग रहा है कल जो है बहुमत साबित करने का समय दिया गया? कल देखिए, चूंकि जब मामला 17 का, अब अभी फिलहाल गवर्नर का जो ऑर्डर है वो अपनी जगह हो गई, सदन का कार्यवाही स्थगित है, सदन फिर बुलाया जाएगा। कोशिश रहेगी वर्तमान सरकार की कि कितना ज्यादा ज्यादा समय हमको मिले और हम अपने बागी विधायकों को बात कर सके, मना सके। बात हो रही है कि 19 या 22 का जो भी आंकड़ा है, जो भी विधायक बागी है, और कम से कम 104 सीटें चाहिए फिलहाल, जो आंकड़ा है उस हिसाब से 104 का टारगेट है। अगर 92 है तो सेफ कांग्रेस को, अगर 10-12 सीट भी अगर कांग्रेस बचा पाती है, अपने बागी विधायकों को वापस कर पाती है, तो शायद सरकार स्टेबल बचा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से, तो फिर भाजपा जो कह रही है कि वो सरकार अल्पमत में है, तो उस हिसाब से अल्पमत में है सरकार बनाएगी भाजपा। फिलहाल कोर्ट अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, क्योंकि इस पे कल वो क्या जिनको भी पत्र दिया गया है, जिन संबंधित पक्षों को, वो अपना क्या रिपोर्ट रखते हैं और कोर्ट उस पे कल जब चर्चा करेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए हम सीधे मतलब इसके इस पे फिर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सरकार को एक तरफ जहां सरकार बचाने की जद्दोजहद चल रही है, तो वहीं भाजपा मध्य प्रदेश में अपना शासन खो चुकी और पुनः उस शासन को वहां पर कायम रखना चाह रही है। तो यहां पर सरकार बनाने और सरकार बचाने की जो यहां पर होड़ चल रही है, उसमें देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राजनीति किस ओर करवट लेती है। ये सियासी खेल है और सियासी खेल में कुछ भी संभव है। पहले एक शायरी हुआ करती थी, इसको और जंग में सब जायज है, अब सबसे यहां पर मुख्य बात होगी कि राजनीति से सियासी जंग में कुछ भी जायज है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। तो कल सुनवाई होनी है इस मामले पर, मध्य प्रदेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में, तो कल पता चलेगा कि इसके आगे की जो कार्रवाई होती है क्या होती है और किस ओर ये जो है राजनीतिक माहौल जो भी बना हुआ है किस ओर जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और यूं ही
अपना प्यार और आशीर्वाद एक्सप्रेस न्यूज टीम को देते रहिए। हम इसी तरह मुद्दा परक खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे और आपको यूं ही हर खबर से अपडेट करते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे आप फॉलो कर लें, अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल का आइकन का एक जो है पॉइंट है उसको क्लिक जरूर कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच सके।